दरभंगा मैथिली लोक संस्कृति मंच एवं सखी बहिनपाल संगठन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को दरभंगा आयुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता श्री चंद्रेश ने किया। इस संबंध में मैथिली लोक संस्कृति मंच के सचिव सह कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान मिलने के बाद भी केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा मैथिली भाषा की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अष्टम अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं को जिस तरह शैक्षणिक संस्थानों में उचित स्थान दिया गया है, उसी तरह मिथिला के करोड़ों लोगों की जनभावना का कद्र करते हुए पाठशाला में मैथिली, केंद्रीय विद्यालय में मैथिली एवं मैथिली को राजभाषा की दर्जा दिलाने की मांग को लेकर इस विशाल धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में सखी बहिनपा की संयोजिका आरती झा ने कहा कि मैथिली को पहली से बारहवीं तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि मिथिला राज्य निर्माण के साथ ही मैथिली राजभाषा पढ़ाई की भाषा बन जाएगी। डॉक्टर राम मोहन झा का कहना था कि मिथिला राज्य निर्माण के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच पर आने की आवश्यकता है और जोरदार आंदोलन द्वारा मिथिला राज्य हासिल किया जाएगा। इस अवसर पर पूनम मिश्र ने कहा कि सरकारी महकमों में मान्यता के साथ ही हम लोगों को घर में भी मातृभाषा सुरक्षित रखना होगा। डॉक्टर प्रीतम निषाद ने पाठशाला में मैथिली पर अपनी कविता का गायन किया। इस अवसर पर स्वर्णिम किरण कौशल, विनोद कुमार झा, सुषमा सुजित, आचार्य राम बाबू चौपाल, उतुल चौधरी, डॉक्टर राम मोहन झा, पंडित कमला कांत झा, प्रोफेसर सुधीर कुमार झा, बूढ़ा भाई डॉक्टर पीताम्बर मिश्र, रेखा झा, ममता झा, सुनीता झा, रजनी, नीलम, भारती चौधरी, प्रभा झा आदि उपस्थित थे। अंत में दरभंगा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्वर्णिम किरण डॉक्टर नवल किशोर यादव और डॉक्टर सुरेश राम डॉक्टर ममता झा मौजूद थी। पाठशाला में मैथिली, मैथिली पाठशाला में मैथिली, मैथिली।